कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बस बक बक करना बंद नहीं करेगा? एक शांत दिमाग की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें और यह कैसे आपके जीवन में असाधारण रचनात्मकता और स्पष्टता ला सकता है। मानसिक शोर का अत्याचार, यह एक ऐसा मुहावरा है जो हमारे दिमाग को भरने वाली निरंतर अक्सर भारी बकबक को समाहित करता है। यह मानसिक शोर केवल एक छोटी सी असुविधा नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और खुशी के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। हमारा दिमाग निरंतर गति में है। जब से हम जागते हैं उस पल से लेकर जब तक हम सोते हैं, हमारे विचार दौड़ रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए था और भविष्य में क्या हो सकता है। ये निरंतर मानसिक गतिविधि थका देने वाली हो सकती है। विचार दौड़ते हैं और घूमते हैं, चिंताओं, योजनाओं और यादों का एक अथक सैलाब। हम पिछली घटनाओं को दोहराते हैं, अक्सर पछतावे या लालसा के साथ, और हम भविष्य के परिदृश्यों का अनुमान लगाते हैं, अक्सर चिंता या भय के साथ। ये मानसिक शोर हमारे सिर के अंदर एक तूफान की तरह महसूस हो सकता है, जो हमें कभी भी शांति का क्षण नहीं देता है। ये निरंतर मानसिक बकबक हमें अतीत में फंसाए रखती है या भविष्य की चिंताओं में खोए रहती है। हम खुद को उन चीज़ों पर उलझे हुए पाते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, या उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो शायद कभी नहीं होंगी। यह हमें यहाँ और अभी पूरी तरह से मौजूद रहने से रोकता है। हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं, वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने में असमर्थ। यह मानसिक कारावास हताशा, लाचारी और यहाँ तक कि निराशा की भावनाओं को जन्म दे सकता है। हम अपने विचारों में इतने फंस जाते हैं कि जीवन की सुंदरता और आनंद से चूक जाते हैं। ये मानसिक शोर हमारी ऊर्जा को ख़त्म कर देता है और हमारी रचनात्मकता को दबा देता है। जब हमारे दिमाग लगातार विचारों से भरे होते हैं, तो रचनात्मक सोच और समस्या समाधान के लिए आवश्यक मानसिक स्थान खोजना मुश्किल होता है। हम थका हुआ, बिना प्रेरणा के और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ महसूस करते हैं। यह हमें खुद से और अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़ने से रोकता है। हम अपने विचारों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने भीतर के और अपने आसपास के लोगों से अपना नाता खो देते हैं। यह अलगाव, अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है। हम प्रतिक्रियाशील, आसानी से उत्तेजित और अपनी वास्तविक शक्ति के स्रोत से अलग हो जाते हैं। जब हमारा दिमाग लगातार शोर करता है, तो हमारे लिए परिस्थितियों पर सोच समझ कर और शांति से प्रतिक्रिया करने के बजाय आवेगपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना होती है। इससे संघर्ष और गलतफहमी हो सकती है। वर्तमान क्षण फिसल जाता है, किसी का ध्यान नहीं जाता और उसकी सराहना नहीं की जाती। हम अपने विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान क्षण के सरल सुखों और सुंदरता पर ध्यान नहीं दे पाते। समय बीतता जाता है और हम जीवन की समृद्धि से चूक जाते हैं। आधुनिक जीवन में मन की निरंतर बकबक एक व्यापक समस्या है। प्रौद्योगिकी के आगमन और 24/7 समाचार चक्र के साथ हम पर सूचनाओं और उत्तेजनाओं की बमबारी की जाती है। हमारे दिमाग लगातार नए डेटा को संसाधित कर रहे हैं, जिससे आराम और प्रतिबिंब के लिए बहुत कम जगह बची है। हम पर सूचनाओं और उत्तेजनाओं की बमबारी की जाती है, जिससे मौन और प्रतिबिंब के लिए बहुत कम जगह बचती है। आधुनिक दुनिया का शोर उस मानसिक शोर को और बढ़ा देता है, जिसका हम पहले से ही अनुभव कर रहे हैं, जिससे शांति और क्वाइट के क्षण खोजना और भी कठिन हो जाता है। ये लगातार शोर तनाव, चिंता और अभिभूत होने की भावना पैदा करता है। हमारे शरीर और दिमाग इस स्तर की निरंतर उत्तेजना को संभालने के लिए नहीं बने हैं। समय के साथ इससे पुराना तनाव, चिंता विकार और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। ये हमें अपने भीतर के ज्ञान का दोहन करने और एक शांत दिमाग से आने वाली शांति का अनुभव करने से रोकता है। जब हमारा दिमाग शोरगुल वाला होता है, तो हमारे अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान की शांत आवाज़ को सुनना मुश्किल होता है। हम अपने वास्तविक स्व और अपने आंतरिक मार्गदर्शन से अलग हो जाते हैं। विचारों के इस अत्याचार
से मुक्ति पाने के लिए हमें क्वाइट की खेती करनी चाहिए। इसका अर्थ है अपने मन को शांत करने और शांति और प्रतिबिंब के लिए जगह बनाने का सचेत प्रयास करना। ध्यान, क्लीन कॉन्शियंस और गहरी सांस लेने जैसी प्रथाएं हमें इसे प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हमें मन को शांत करना सीखना चाहिए और शांति, रचनात्मकता और सच्ची पूर्णता के लिए जगह बनानी चाहिए। हर दिन क्वाइट का अभ्यास करने के लिए समय निकालकर हम मानसिक शोर को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति की भावना पैदा कर सकते हैं। यह हमें अपनी रचनात्मकता का दोहन करने और जीवन में सच्ची पूर्णता प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अधिक जागरूक और आनंदमय जीवन जीने का मार्ग है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं और जीवन के साधारण सुखों में आनंद पा सकते हैं। यही अधिक जागरूक, पूर्ण और आनंदमय जीवन जीने की कुंजी है। सन्नाटा रचनात्मकता का उद्गम स्थल। अपने दैनिक जीवन की भागम भाग में हम अक्सर क्वाइट की शक्ति को भूल जाते हैं। हम लगातार सूचनाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं जो हमारे दिमाग को निरंतर गति की स्थिति में रखते हैं। लेकिन क्वाइट के क्षणों में ही सच्ची रचनात्मकता का जन्म होता है। सच्ची रचनात्मकता सोचने वाले मन की उन्मत्त गतिविधि से उत्पन्न नहीं होती है। यह जबरदस्ती के प्रयास या अथक प्रयास का परिणाम नहीं है। इसके बजाय यह आंतरिक शांति और शांति के स्थान से निकलता है। जब हम खुद को क्वाइट रहने देते हैं तो हम प्रेरणा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए जगह बनाते हैं। यह क्वाइट के स्थान से निकलता है, शांति और उपस्थिति का एक गहरा स्रोत। यह स्रोत हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है, जिसका दोहन किया जाना बाकी है। यह असीम रचनात्मकता और नवीनता का स्रोत है जो किसी के लिए भी सुलभ है, जो अपने मन को शांत करने और सुनने के लिए समय निकालता है। जब मन शांत होता है तो हम अनंत संभावनाओं के दायरे तक पहुंचते हैं। इस दायरे में हम अपने पिछले अनुभवों या भविष्य की चिंताओं तक सीमित नहीं हैं। हम बिना किसी सीमा के नए विचारों और दृष्टिकोणों का पता लगाने, सपने देखने और बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रेरणा सहजता से प्रवाहित होती है और समाधान ऐसे प्रकट होते हैं जैसे जादू से। ये सहज प्रवाह सच्ची रचनात्मकता की पहचान है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती या निर्मित किया जा सके। इसे आंतरिक क्वाइट की स्थिति से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने देना चाहिए। क्वाइट की यह स्थिति खालीपन नहीं है। ये कोई शून्य या गतिविधि की कमी नहीं है, बल्कि ये उच्च जागरूकता की स्थिति है जहां हम अभी में पूरी तरह से मौजूद हैं। इस अवस्था में हम प्रेरणा और अंतर्ज्ञान की सूक्ष्म धाराओं के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं, जो हमारी रचनात्मक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। यह उच्च जागरूकता की स्थिति है जहां हम अभी में पूरी तरह से मौजूद हैं। यह उपस्थिति हमें दुनिया को नई आंखों से देखने की अनुमति देती है, उन विवरणों और कनेक्शनों को नोटिस करने के लिए जिन्हें हम अन्यथा अनदेखा कर सकते हैं। उपस्थिति के इन क्षणों में हमारे सबसे गहन अंतर्दृष्टि और विचारों का जन्म होता है। यह शुद्ध क्षमता की स्थिति है जहां सब कुछ संभव है। इस अवस्था में हम अपने तर्कसंगत दिमाग की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। असफलता के डर के बिना अपनी रचनात्मक क्षमता की पूरी श्रृंखला का पता लगाने, प्रयोग करने और नया करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। आंतरिक शांति के इस स्थान में हम अपने वास्तविक स्व, अपनी रचनात्मकता और ज्ञान के स्रोत से जुड़ते हैं। ये संबंध हमारी रचनात्मक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। जब हम अपने वास्तविक स्व के संपर्क में होते हैं तो हम प्रामाणिकता और अखंडता के स्थान से निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जब हम विचारों के बवंडर में फंस जाते हैं तो हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। हम स्पष्ट रूप से देखने या रचनात्मक रूप से सोचने में असमर्थ हैं। हमारा दिमाग चिंताओं और विकर्षणों से भरा रहता है, जिससे प्रेरणा को जड़ पकड़ने के लिए बहुत कम जगह बचती है। हम अपनी पिछली कंडीशनिंग और भविष्य के बारे में अपने डर से सीमित हैं। ये सीमाएं हमारी
रचनात्मकता को दबा सकती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम इन बाधाओं से मुक्त हो पाते हैं और दुनिया को नई निगाहों से देख पाते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो हम स्पष्टता से देखते हैं। ये स्पष्टता हमें नई संभावनाओं को देखने और नए दृष्टिकोण के साथ समस्याओं का समाधान करने की अनुमति देती है। स्पष्टता के इन्हीं क्षणों में हमारे सबसे नवीन विचारों और समाधानों का जन्म होता है। हम नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और नए होने के तरीकों के लिए खुले हैं। यह खुलापन सच्ची रचनात्मकता की कुंजी है। यह हमें नई संभावनाओं का पता लगाने और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। मन की क्वाइट रचनात्मकता के लिए एक उपजाऊ जमीन है। यह इस उपजाऊ भूमि में है कि हमारे सबसे प्रेरित विचार जड़ लेते हैं और बढ़ते हैं। जब हम क्वाइट की खेती करते हैं तो हम अपनी रचनात्मकता को फलने फूलने के लिए परिस्थितियाँ बनाते हैं। यहीं पर हम अपने अंतर्ज्ञान, अपनी कल्पना और अपने गहरे जुनून का दोहन कर सकते हैं। ये हमारी रचनात्मकता के स्रोत हैं, हमारे सबसे प्रेरित काम के स्रोत हैं। जब हम इन आंतरिक संसाधनों के संपर्क में होते हैं तो हम प्रामाणिकता और शक्ति के स्थान से निर्माण करने में सक्षम होते हैं। यहीं पर हम अपना सबसे प्रेरित काम बना सकते हैं और अपना सबसे प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। क्वाइट में हमें अपने रचनात्मक दृश्यों को जीवन में लाने के लिए आवश्यक स्पष्टता और प्रेरणा मिलती है। हम अपने वास्तविक स्व के साथ संरेखण में रहने और बनाने में सक्षम हैं और अपने अद्वितीय उपहारों को दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम हैं। मन का इको चैम्बर, हमारे विचार अक्सर अतीत की गूंज होते हैं। वे पुनर्नवीनीकरण यादें, अंतर्निहित विश्वास और सीखे हुए व्यवहार हैं जो हमें दोहराए जाने वाले पैटर्न में फंसाए रखते हैं। ये मानसिक बकबक हम नहीं हैं, ये बस वातानुकूलित मन पुराने टेपों को फिर से चला रहा है। ये विचार स्वयं की एक झूठी भावना पैदा करते हैं, पिछले अनुभवों पर आधारित एक सीमित पहचान। हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं ये मानते हुए कि वे वास्तविकता के सच्चे प्रतिनिधित्व हैं। ये लगाव दुख पैदा करता है क्योंकि विचार अस्थाई और हमेशा बदलते रहते हैं। बच्चे मम्मते हैं। जब हम अपने विचारों से खुद को जोड़ते हैं तो हम अपनी क्षमता को सीमित करते हैं, हम अपने ही मन की सीमाओं से बंध जाते हैं। इस मानसिक जेल से मुक्त होने के लिए हमें अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना सीखना चाहिए। अपने विचारों को केवल देख कर ही हम अपने और सोचने वाले मन के बीच एक जगह बनाते हैं। हमें एहसास होने लगता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह जागरूकता हैं जो हमारे विचारों से अवगत है। यह एहसास चेतना में एक गहरा बदलाव है क्योंकि यह हमें सोचने वाले मन के अत्याचार से मुक्त करता है। एकमात्र सच्ची शक्ति वर्तमान क्षण में निहित है। अतीत चला गया, भविष्य अभी आना बाकी है और हमारे पास जो कुछ भी है वह अब है। फिर भी हमारे मन को लगातार इस वर्तमान क्षण से दूर खींचा जाता है, अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। अतीत और भविष्य के साथ ये व्यस्तता हमें जीवन के आनंद और जीवन शक्ति से वंचित करती है। ये हमें हर पल की समृद्धि का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। जब हम सोच में खोए रहते हैं तो हम वास्तव में जी नहीं रहे होते, हम बस मौजूद हैं। वर्तमान क्षण की शक्ति तक पहुंचने के लिए हमें क्वाइट की खेती करनी चाहिए। हमें मन को शांत करना सीखना चाहिए और अपना ध्यान पूरी तरह से वर्तमान पर लाना चाहिए। यह मन के सभी विचारों को खाली करने के बारे में नहीं है, यह हमारे विचारों के प्रति जागरूक होने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बारे में है। जब हम उपस्थित होते हैं तो हम जीवन में पूरी तरह से लगे रहते हैं। हम नए अनुभवों, नए संबंधों और नई संभावनाओं के लिए खुले हैं। हम जीवन की चुनौतियों का सामना स्पष्टता और ज्ञान के साथ कर पाते हैं। जिस तरह रचनात्मक दिमाग के लिए क्वाइट जरूरी है, उसी तरह शांत हृदय के लिए मौन भी जरूरी है। अपनी तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर क्वाइट और मौन के महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं।
हम लगातार बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के शोर से घिरे रहते हैं, जो हमारे दिमाग को निरंतर गति की स्थिति में रखता है। ये निरंतर गतिविधि थका देने वाली और भारी पड़ सकती है, जिससे हम अपने वास्तविक स्व से थका हुआ और अलग थलग महसूस करते हैं। बाहरी शोर के अभाव में हम आंतरिक क्वाइट के लिए जगह बनाते हैं। ये आंतरिक क्वाइट एक अभयारण्य है, जहां हम बाहरी दुनिया की अराजकता से पीछे हट सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हम सांत्वना और कायाकल्प पा सकते हैं, जिससे हम अपने भीतर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की गहरी समझ का द्वार खोलते हैं। ये मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, ये कहीं अधिक महान चीज की उपस्थिति है। ये शांति, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि की उपस्थिति है। इस मौन में हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य और बुलावे की ओर ले जाती है। ये इस पवित्र स्थान में है कि हम अपने सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मौन में हम अपने आप के सबसे गहरे हिस्से, शुद्ध चेतना के दायरे से जुड़ते हैं। ये संबंध हमें ज्ञान और रचनात्मकता के एक ऐसे स्रोत का दोहन करने की अनुमति देता है, जो हमारे भीतर निहित है। ये शुद्ध चेतना की स्थिति में है कि हम ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों के साथ एकता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। ये संबंध शांति और पूर्णता की भावना लाता है, जो बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकती है। ये वह जगह है जहाँ सच्ची शांति रहती है, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है। ये एक ऐसी शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसी शांति है जो भीतर से आती है। यह आंतरिक शांति शक्ति और लचीलापन का स्रोत है, जो हमें जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहजता के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। ये एक ऐसी शांति है जो विपत्ति के सामने भी अडिग रहती है। ये एक ऐसी शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ये एक ऐसी शांति है जो भीतर से आती है। ये आंतरिक शांति शक्ति और लचीलापन का स्रोत है, जो हमें जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहजता के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। यह एक ऐसी शांति है जो विपत्ति के सामने भी अडिग रहती है। जब हम इस आंतरिक शांति की खेती करते हैं, तो हम अधिक केंद्रित और जमीनी हो जाते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना स्पष्टता और ज्ञान के साथ करने में सक्षम होते हैं। आधुनिक जीवन में शोर का लगातार हमला हमें आंदोलन और व्याकुलता की स्थिति में रखता है। ये हमें उस शांति से जुड़ने से रोकता है, जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये शोर कई रूपों में आता है, हमारे मन की बकबक, हमारे दैनिक जीवन की मांगें और मीडिया से सूचनाओं की निरंतर धारा। ये सभी विकर्षण हमें हमारी आंतरिक शांति से दूर खींचते हैं, जिससे हम तनावग्रस्त और अभिभूत महसूस करते हैं। ये हमें उस शांति से जुड़ने से रोकता है, जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। अपने जीवन में मौन के क्षण बनाकर हम खुद को इस आंतरिक अभयारण्य तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। मौन के ये क्षण कुछ गहरी सांसें लेने, प्रकृति में चुपचाप बैठने या प्लान कॉन्शियस ध्यान का अभ्यास करने जितने सरल हो सकते हैं। मौन के लिए जगह बनाकर हम अपने भीतर के साथ फिर से जुड़ने और उस शांति को खोजने का अवसर पैदा करते हैं, जो भीतर निहित है। जैसे जैसे हम मौन के साथ अधिक सहज होते जाते हैं, हम शांति और शांति की गहरी भावना का अनुभव करने लगते हैं, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त हो जाती है। ये आंतरिक शांति एक मार्गदर्शक शक्ति बन जाती है, जो हमें अधिक सहजता और अनुग्रह के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में मदद करती है। तो कुछ सरल दिनचर्या बनाएं, जैसे दिन की शुरुआत और अंत कुछ मिनटों के ध्यान के साथ करें। एक प्रेरित विचार लॉग रखें और इस बात पर चिंतन करें कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। अपने जीवन में क्वाइट और मौन के साथ प्रयोग करना शुरू करें। अपने अनुभव साझा करें और टिप्पणियों में प्रश्न पूछें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शांत और मौन मन के लाभ वास्तव में जीवन को समृद्ध करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ काम की बात लगी हो, तो मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता प्राप्त करने के बारे में अधिक जानकारी और सुझावों के लिए सब्सक्राइब करें। अपने बकबक करने वाले दिमाग
को शांत करने और अपनी वास्तविक रचनात्मक क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? क्वाइट और मौन के क्षणों का अभ्यास करके आज ही शुरुआत करें। अपनी यात्रा हमारे साथ टिप्पणियों में साझा करें और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के बारे में अधिक सुझावों के लिए हमारे अन्य वीडियो देखना न भूलें। सचेत विचारकों के हमारे समुदाय में शामिल हों।